नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान के एक नए टॉपिक पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में होगा। पार्ट फर्स्ट में हम सलाइवरी ग्लैंड तक पढ़ेंगे और बचे हुए पार्ट को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आहार नाल, ये वाली पूरी आहार नाल हो गई, इससे मिलकर बना होता है। ये पूरा आहार नाल है हमारा, यहाँ एनस तक, यहाँ तक ये आहार नाल हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल होता है, और उससे जुड़ी हुई ग्लैंड, जैसे ये पैरोटिड ग्लैंड हो गई, ये वाली, ये पैरोटिड ग्लैंड हो गई, और ये लीवर से एसोसिएटेड, ये लीवर है, और ये पैंक्रियाज, तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड से एसोसिएटेड ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड हो गई, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड आती है, ये वाली, ये लीवर हो गया, ये पैंक्रियाज हो गया। तो अब हम चर्चा करते हैं जो हमारा आहार नाल है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। अभी हमने बताया ये यहाँ से होते हुए यहाँ एनस तक जाता है, तो ये स्टार्ट होता है माउथ से। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल स्टार्ट होता है माउथ से, और एंड कहाँ पे होता है? एनस से। तो ये स्टार्ट हुआ, ये माउथ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से होते जाता है, ये बक्कल कैविटी यहाँ पे दिया हुआ है, ये बक्कल कैविटी, इसे ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी दोनों कहते हैं। तो ये माउथ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी से होते हुए ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स से होते हुए ये ओएसोफेगस में गया। ये ओएसोफेगस है, 25 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो ये दोस्तों ओएसोफेगस है, ये ओपन होता है, इसके बाद स्टमक में, स्टमक के बाद ये ओपन होता है डियोडेनम, डियोडेनम जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट होता है, तो ये डियोडेनम हो गया। ये डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। डियोडेनम के बाद दोस्तों इसमें आता है डियोडेनम, डियोडेनम से होता हुआ ये आता है जेजुनम में। जेजुनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है। फिर जेजुनम, ये जेजुनम से होते हुए आता है कहाँ पे? इलियम में। जेजुनम से होते हुए आता है इलियम में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत का थर्ड पार्ट है। अब ये इलियम से होते हुए दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये इलियम से होते हुए आता है कहाँ पे? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब आता है तो ये सबसे पहले कहाँ ओपन होता है? सीकम में। सीकम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। ये सीकम है दोस्तों, सीकम से दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है बड़ी आंत का, जिसे कोलन कहते हैं। ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एसेंडिंग, ये वाला पोर्शन एसेंडिंग हो गया बड़ी आंत का, ये ट्रांसवर्स कोलन है, और ये इधर वाला जो होता है ये डिसेंडिंग कोलन है। तो ये बड़ी आंत में जो कोलन होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स और ये डिसेंडिंग। इसके बाद ये ओपन होता है, जो कोलन होता है ये ओपन होता है रेक्टम में, आप देख रहे होंगे ये रेक्टम में ओपन होता है। रेक्टम के बाद ये ओपन होता है एनस में, तो एनस के थ्रू जितना भी बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ होता है वो रेक्टम में पहले स्टोर होता है, फिर एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों हम डाइजेशन का मतलब समझेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। आप सभी लोग जानते होंगे कि जितने भी जीव होते हैं उनको जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। तो भोजन के रूप में हम जो जटिल पदार्थों को लेते हैं, जटिल पदार्थों को लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, भोजन के रूप में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या जटिल पदार्थों को जो लिया जाता है डाइजेशन के द्वारा, जटिल पदार्थों को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, सिंपलर फॉर्म में तोड़ना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। क्या? डाइजेशन। तो दोस्तों डाइजेशन की डेफिनेशन है, जो जटिल पदार्थ है उनको सरल पदार्थों के रूप में तोड़ना ही कहलाता है डाइजेशन। तो डाइजेशन की डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है डाइजेशन या पाचन जो होता है
वो कौन सा मेथड होता है? ये बायोकेमिकल मेथड्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत से एंजाइम मिलके जो है भोजन को हमारे पचाने का काम करते हैं, इसलिए ये बायोकेमिकल मेथड्स होता है। दोस्तों, डाइजेशन में आप जो भी भोजन या फूड खाते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? वो हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन के रूप में फूड खाते हैं, कोई भी फूड हो गया उसको हम खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। जब फूड हम खाते हैं तो वो डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा या पाचन के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड में होते हैं या जटिल पदार्थ होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना ही कहलाता है डाइजेशन। कभी कभी दोस्तों पूछा जाता है कि स्टेज ऑफ डाइजेशन या पाचन के चरण क्या होते हैं, पाचन के चरण किन किन स्टेप से होके भोजन गुजरता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में अंतःकरण। फूड को हम लोग पहले इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करने का मतलब उसे माउथ में रखना, उसे चबाना, इंजेस्ट किया, फिर उस इंजेस्ट अंतःकरण भोजन का होता है पाचन। अब दोस्तों पाचन जो होता है वो कुछ का माउथ में होता है, फिर उसके बाद जो होता है स्टमक में होता है, फिर छोटी आंत में होता है। अब पाचन के बाद क्या होता है, उस पचे हुए भोजन का क्या होता है दोस्तों, अवशोषण या एब्जॉर्बशन होता है। तो उस पचे हुए भोजन का अवशोषण या एब्जॉर्बशन होता है। इसके बाद इसका क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण। अब इस पचे हुए भोजन का होता है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। स्वांगीकरण से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, क्योंकि पचा हुआ जो भोजन होता है वो हमारे शरीर के डिफरेंट भाग में पहुंचकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। एसिमिलेशन के द्वारा हमें ऊर्जा मिली और इसके बाद जो अवशेष पदार्थ हैं वो डेफिकेशन के द्वारा एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। डेफिकेशन मतलब जैसे मल मूत्र को त्याग देना, ये कहलाता है डेफिकेशन। तो डेफिकेशन के द्वारा जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारी हो गई पाचन के कितने चरण होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग भोजन को इंजेस्ट करते हैं, जिसे अंतःकरण कहते हैं, मतलब उसे हम लोग अपने मुख में रखते हैं, उसको चबाते हैं। चबाने के बाद जो भोजन होता है इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्टार्च का जो यह मंड कहते हैं उसका थोड़ा सा 30% भाग जो डाइजेस्ट होता है वो हमारे मुंह में होता है। इसके बाद भोजन का डाइजेशन सीधे स्टमक में होता है या पेट में, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होता है। पाचन के बाद दोस्तों क्या होता है, उस पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होता है। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका एसिमिलेशन होता है, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण मतलब जो पचा हुआ भोजन होता है वो हमारे शरीर के डिफरेंट भाग को जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब एसिमिलेशन के बाद क्या होता है दोस्तों, जो ये बेस सब्सटेंस होते हैं वो मल मूत्र जैसे हो गया, इसको हम एनस के थ्रू शरीर से बाहर कर देते हैं, जिसे डेफिकेशन कहते हैं। अब हम पाचन तंत्र को दोस्तों थोड़ा डिटेल में समझेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, इसके अंतर्गत अभी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था, इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल जिसे आहार नाल कहते हैं, और क्या होता है इसमें, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, जिसमें हमने बताया था सेलेवरी ग्लैंड जिसे लार ग्रंथि भी कहते हैं, सेलेवरी ग्लैंड, लीवर जिसे यकृत कहते हैं, एंड पैंक्रियाज से अग्नाशय कहते हैं।
तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है दोस्तों, ये भी हमने बताया था, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, और एंड कहाँ पे होता है? एंड होता है एनस पे। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं, माउथ माउथ जो ओपन होता है ये किस में होता है? बक्कल कैविटी या माउथ किस में होता है ओपन? ओरल कैविटी में। तो दोस्तों माउथ जो होता है, माउथ के बाद हमारी बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी आती है, आप उसे डायग्राम में जाके देख सकते हैं। ओरल कैविटी के अंतर्गत क्या पाया जाता है? ओरल कैविटी के अंतर्गत हमारे दांत पाए जाते हैं, टीथ हो गया, हमारी टंग जीभ हो गई, और सेलेवरी ग्लैंड, ये बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में पाए जाते हैं। सेलेवरी ग्लैंड का मतलब हो गया लार ग्रंथि। तो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में क्या पाया जाता है दोस्तों? टीथ पाया जाता है हमारा, टंग जीभ पाई जाती है, सेलेवरी ग्लैंड और लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसे लार ग्रंथि कहते हैं सेलेवरी ग्लैंड को। अब टीथ के बारे में हम थोड़ा डिटेल करते हैं। टीथ जो होता है हमारा, इसका जो बाहरी भाग होता है दोस्तों, बाहरी भाग जो बना होता है किसका? इनेमल का। बाहरी भाग टीथ का जो होता है वो इनेमल का बना होता है। इनेमल क्या होता है? इनेमल जो होता है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, बहुत हार्ड होता है। अगर पूछा जाए हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है तो इनेमल होता है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसका काम क्या होता है? ये भोजन को चबाने का काम करता है, जो इनेमल होता है भोजन को चबाने का काम करता है। और दांत के जो आंतरिक भाग हो गए, बाहरी भाग में हमने बताया इनेमल होता है, और इसका आंतरिक भाग जो होता है वो बना होता है डेंटाइन का। जो हमारे दांत होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें मिल्क टीथ या टेम्प्रोरी टीथ कहते हैं, ये 20 होते हैं। ये दांत ये जीवन में दो बार निकलते हैं, जो टेम्प्रोरी टीथ या मिल्क टीथ होता है ये जीवन में दो बार निकलते हैं। और परमानेंट टीथ जो होता है दोस्तों, वो संख्या में 12 होता है, ये जीवन में केवल एक बार निकलता है। परमानेंट टीथ क्या हो गया? ये जीवन में केवल एक बार निकलता है। तो माउथ या बक्कल कैविटी, माउथ से स्टार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में, और ओरल कैविटी के अंतर्गत क्या पाया जाता है? टीथ पाया जाता है, टंग हमारी जीभ हो गई, सेलेवरी ग्लैंड लार ग्रंथि पाई जाती है। टीथ का जो बाहरी भाग होता है दोस्तों वो बना होता है इनेमल का, इनेमल बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये फूड को चबाने का काम करता है। और जो टीथ का आंतरिक भाग या अंदर वाला भाग होता है वो डेंटाइन का बना होता है। हमारे टीथ दो टाइप के होते हैं, मिल्क टीथ होता है जिसे टेम्प्रोरी टीथ कहते हैं, ये संख्या में 12 होते हैं, ये जीवन में दो बार निकलते हैं। और जो परमानेंट टीथ होता है दोस्तों, ये संख्या में 12 होते हैं, ये जीवन में केवल एक बार निकलता है। अब हम इंसीजर का काम देखते हैं। हमारे दांत जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर। चार टाइप के दांत हमारे अंदर पाए जाते हैं। इंसीजर जो होता है वो दोस्तों भोजन को ये काटता है, ये भोजन को काटता है, काटने का काम करता है। कैनाइन जो हो गया ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। कैनाइन जो होता है मांसाहारी जीवों में बहुत बड़ा होता है, कैनाइन जो हो गया वो भोजन को फाड़ता है, इंसीजर काटता है। प्रीमोलर और मोलर जो हो गए वो भोजन को चबाने का काम करते हैं दोस्तों अभी अगर कभी डेंटल फार्मूला पूछा जाए, डेंटल फार्मूला अगर वो चाइल्ड का पूछा जाए तो बच्चे का होता है 2102, जिसमें ये इंसीजर हो गया, ये कैनाइन होता है, ये प्रीमोलर होता है और ये मोलर होता है। और अगर एडल्ट में पूछा जाए डेंटल फार्मूला तो 2123, ये
एडल्ट का हो गया। दोस्तों अब हमने टीथ के बारे में पढ़ लिया, अब हम इसमें टंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जीभ के बारे में। तो दोस्तों ये हमारी टंग हो गई। टंग का जो ये ऊपरी वाला भाग है, ये ऊपरी वाला भाग, इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शन या उभरी हुई संरचना होती है। जीभ के ऊपरी भाग पे उभरी हुई संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पैपिली कहते हैं। इस पैपिली के अंदर क्या पाया जाता है, पैपिली में टेस्ट बड पाए जाते हैं। तो दोस्तों जीभ के ऊपर जो ये उभरी संरचना हो गई इसे पैपिली कहते हैं। इस पैपिली के अंदर क्या पाया जाता है, टेस्ट बड पाया जाता है। ये टेस्ट बड से हमें क्या पता चलता है, स्वाद का पता चलता है। टेस्ट बड से हमें स्वाद का पता चलता है। तो दोस्तों ये जीभ का जो अग्रभाग है इससे हमें मीठे का पता चलता है, और जो इसका अग्र पार्श्व भाग है इससे साल्टी नेचर का, और जो ये इसका पश्च पार्श्व भाग इससे सावर का पता चलता है। दोस्तों ये जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है, ये जीभ का, इससे हमें तीखे स्वाद का पता चलता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीभ के ऊपर जो उभरी हुई संरचना होती है, ये उभरी हुई संरचना इसे क्या कहते हैं, जीभ के ऊपर जो उभरी हुई संरचना होती है इसे हम पैपिला कहते हैं, इसके ऊपर टेस्ट बड पाए जाते हैं जिससे हमें किसका पता चलता है, स्वाद का पता चलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों जीभ के अग्रभाग से हमें किस टेस्ट का पता चलता है, तो जीभ के अग्रभाग से हमें मीठे स्वाद का पता चलता है। जीभ का जो अग्र पार्श्व भाग होता है उससे हमें साल्टी नेचर का पता चलता है। जीभ का जो पश्च पार्श्व भाग होता है, ये जीभ का पश्च पार्श्व भाग है, इससे हमें खट्टे का पता चलता है। और जीभ का ये जो पीछे वाला भाग है इससे हमें तीखे स्वाद का पता चलता है। तो दोस्तों हमने माउथ में पढ़ा टीथ, टंग पढ़ा, अब हम माउथ में पढ़ते हैं सेलेवरी ग्लैंड के बारे में। सेलेवरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, सेलेवरी ग्लैंड को कहते हैं लार ग्रंथि। सेलेवरी ग्लैंड को कहते हैं लार ग्रंथि। तो ये सेलेवरी ग्लैंड जो होती है वो तीन टाइप की होती है, पैरोटिड ग्लैंड। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी सेलेवरी ग्लैंड कौन सी है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है। सबलिंगुअल तीन टाइप की होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर। दोस्तों जो ये पैरोटिड ग्लैंड होता है इसमें वायरल इन्फेक्शन होने पर ये स्वेल कर जाती है जिसे मम्स कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए मम्स सेलेवरी ग्लैंड के किस ग्लैंड में इन्फेक्शन से होता है, तो मम्स जो होता है वो सेलेवरी ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन होने पर मम्स हो जाता है। ये जो सेलेवरी ग्लैंड होती है ये लार का सिक्रेशन करती है जिसे इंग्लिश में हम सलाइवा कहते हैं। लार का सिक्रेशन ये सेलेवरी ग्लैंड से होता है, और सलाइवा का सिक्रेशन सेलेवरी ग्लैंड के द्वारा कहाँ होता है, माउथ में, हमारे मुंह में होता है। तो ये सलाइवा जो है इसके अंतर्गत कभी पूछा जाता है क्या इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, सलाइवा में जो इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं इसमें सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, क्लोराइड पाया जाता है, बाइकार्बोनेट और कुछ एंजाइम लार में हमारे पाए जाते हैं। एंजाइम का नाम होता है सेलेवरी एमाइलेज। ये स्टार्च का या मंड का डाइजेशन करता है माउथ में। और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ये हमारे लार में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो ये लाइसोजाइम होता है इसका
काम होता है, ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है, ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है और इन्फेक्शन को रोकता है, इन्फेक्शन को रोकता है। तो स्लाइबा में क्या होता है, स्लाइबा जो लार होता है ये हमारे लार ग्रंथि से सिक्रीट होता है हमारे मुंह में। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या पाए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। और सलाइबा लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, सेलेब्री एमाइलेज और लाइसोजाइम। कभी कभी दोस्तों पूछा जाता है लाइसोजाइम का काम क्या होता है, ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है और इन्फेक्शन को रोकता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है इसलिए ये इन्फेक्शन को रोकता है। अभी हमने बताया ये जो सेलेब्री एमाइलेज है ये हमारे लार में पाया जाता है, तो माउथ में हमारे जो मंड होता है स्टार्च, इसका सेलेब्री एमाइलेज के द्वारा ये किस में चेंज हो जाता है, सरकरा में। मंड जो होता है ये सरकरा में चेंज हो जाता है, माल्टोज। तो माउथ में हमारे स्टार्च का मंड का डाइजेशन होता है और ये मंड जो होता है सेलेब्री एमाइलेज के द्वारा सरकरा में चेंज हो जाती है। दोस्तों जो स्लाइबा या लार हमारे सेलेब्री ग्लैंड से निकला लार, ये हमारे भोजन में हमारे अच्छे से मिलता है, अच्छे से मिक्सअप होता है और इस लार में म्यूकस या हम कह सकते हैं चिपचिपा, लार में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे भोजन को जो ये चिपचिपा पदार्थ म्यूकस है ये हमारे भोजन को लुगदी बनाता है, साथ ही साथ हम भोजन को चबाते भी रहते हैं। तो ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है ये भोजन को लुगदी बनाता है और हम अपने टीथ के द्वारा भोजन को चबाते रहते हैं। इसके बाद जो भोजन हमने खाया स्लाइबा के द्वारा, लार स्लाइबा मतलब लार हो गया, ये जो इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है भोजन को चबाने के बाद ये जो खाया हुआ भोजन है ये कन्वर्ट हो जाता है बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन माउथ में जो हमने खाना खाया वो किस में कन्वर्ट होता है, तो माउथ में जो हमने खाना खाया वो लार के द्वारा, लार हमारे भोजन में अच्छे से मिलता है और हम अपने टीथ के द्वारा जो है भोजन को चबाते हैं, चबाने के बाद ये भोजन जो है माउथ में बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भोजन है वो माउथ में, अब तो हम इतना समझ गए कि ये बोलस में कन्वर्ट हो गया, बोलस में कन्वर्ट होने के बाद ये फेरिंग से होते हुए ओएसोफेगस में जाता है। जब हम ये बोलस जो है माउथ से होते हैं फेरिंग्स और ओएसोफेगस में जाता है, तो इस दौरान हम भोजन को निगलते हैं जिसे क्या कहते हैं, सेलविंग ऑफ द फूड। तो यहाँ पे बोलस जो है ये फेरिंग्स से होता हुआ ओएसोफेगस में आता है, इस दौरान हम भोजन को निगलते हैं, इसे कहते हैं सेलविंग ऑफ द फूड। चूंकि अब भोजन ओएसोफेगस तक आ गया है, जो हमारा ये ओएसोफेगस होता है इसको हमने बताया था कि ये 25 सेंटीमीटर लेंथ का होता है और इसमें किसी भी फूड का या भोजन का पाचन नहीं होता है। तो अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे फूड का डाइजेशन या पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट होता है केवल माउथ में। माउथ में केवल किसका पाचन होता है, मंड का पाचन होता है, और ओएसोफेगस में किसी भी भोजन का पाचन नहीं होता है। दोस्तों इस तरह से हमने ओएसोफेगस तक देखा कि भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होता है। अब इसके बाद हम जो है अपने अगले वीडियो में स्टमक से स्टार्ट करेंगे।
स्टमक से होते हुए हम छोटी आंत और बड़ी आंत, बड़ी आंत से होते हुए हम रेक्टम तक देखेंगे कि किस भाग में किस भोजन का पाचन होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।